नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी की डाइट, क्या खाएं क्या ना खाएं में। दोस्तों, दुनिया भर में मांसाहारी लोग सबसे ज्यादा चिकन खाना पसंद करते हैं और इसका कारण इसका लाजवाब टेस्ट है। इसलिए अलग अलग संस्कृतियों के लोग इसे अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। इसीलिए इसकी इस लोकप्रियता को देखकर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चिकन खाने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, जैसे कि चिकन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं, चिकन खाने के फायदे क्या हैं, चिकन खाने का सही तरीका क्या है, चिकन खाने का सही समय क्या है, गर्भावस्था में चिकन खाना चाहिए या नहीं, चिकन के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं कि चिकन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, चिकन में एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, सोडियम, विटामिन सी, कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं चिकन खाने से होने वाले फायदे। दोस्तों, इसका पहला फायदा है चिकन मसल्स बिल्डअप में बहुत सहायक होता है। चिकन में हाई प्रोटीन पाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो चिकन की चेस्ट में पाया जाता है और इसी के कारण बॉडी बिल्डर्स मुर्गे की चेस्ट को बॉईल करके खाते हैं। दूसरा फायदा है चिकन खाने से पुरुषों का हार्मोनल ग्रोथ अच्छा होता है। इसमें पाया जाने वाला जिंक हार्मोनल ग्रोथ में बहुत सहायक होता है। तीसरा फायदा है चिकन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर को रोगाणुओं से लड़ने के योग्य बनाता है। चौथा फायदा है चिकन एनीमिया में लाभदायक होता है। चिकन आयरन का अच्छा स्रोत होता है जिससे यह शरीर में रक्त की कमी को पूरा करता है। पांचवा फायदा है चिकन हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। हड्डी युक्त चिकन खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है। छठवां फायदा है चिकन मेटाबॉलिज्म लेवल को ठीक करता है। सातवें फायदे को देखा जाए तो यह हमारे डिप्रेशन को भी दूर करता है। चिकन में कुछ ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो तनाव को कम करते हैं। आठवां फायदा है चिकन हमारे नाखूनों, बालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। नौवां फायदा है चिकन खराब कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा को नियंत्रित करके हमारे हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। दसवें फायदे को देखा जाए तो दसवां फायदा है चिकन कैंसर से बचाव करता है। और ग्यारहवां फायदा है चिकन हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बारहवें फायदा है चिकन हमें सर्दी से बचाता है, इसीलिए सर्दी से बचाव के लिए चिकन का सूप पीने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, गर्भावस्था में चिकन खाना लाभदायक होता है, जो कि शरीर में आयरन, जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों को पूरा करता है। अब देख लेते हैं चिकन खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, चिकन खाने के सही तरीके की बात करें तो इसे अच्छे से साफ करके हल्की आंच पर उबाल कर, भून कर या फ्राई करके खाया जा सकता है, लेकिन उबला हुआ चिकन सबसे पौष्टिक होता है। अब देखते हैं चिकन खाने का सही समय क्या है। वैसे तो आप चिकन को किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन चिकन खाने का सबसे सही समय लंच टाइम को ही माना गया है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को कि चिकन के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, अर्थात चिकन खाने के पहले या बाद में क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, चिकन के साथ दूध, दही, मछली और शहद को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे चिकन खाने के फायदे गुरुजी की डाइट में। आज इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही जानकारियाँ पाने और स्वस्थ रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।